ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स कैरी ऑन विद एवोगैड्रोज लॉ. और एवोगैड्रोज लॉ में वी गोना टॉक अबाउट मॉलिक्यूल्स और उसमें कैनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस को इंटरप्रेट करते हैं. तो आपके सामने कैनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस जो है मैंने यहाँ पर लिख दी हुई है. तो इसको हम ऐसा करते हैं कि दो गैसेस के लिए लिखते हैं, यानी लेट्स से दैट के वी गोना टॉक अबाउट any gas which is in a separate cylinder and a gas which is there in another separate cylinder. तो हम इसी equation को हम लिख सकते हैं that PV is equals to 1 over 3, उसका mass जो है वो 1 कह लेते हैं, उसके number of molecules को 1 कह लेते हैं, और उसकी kinetic root mean square velocity को 1 कह लेते हैं. ठीक है, so that's for the first A cylinder कह लेते हैं आप इसको. और इसी तरह से स्टूडेंट्स जो है हम क्या करेंगे कि एक और इसी इक्वेशन को एक और फॉर्म में लिख देंगे, इसी फॉर्म में दोबारा लिख देंगे. पी वी इज इक्वल्स टू 1/3 एम वन एन वन सी स्क्वेयर्ड 1. अब यहाँ पर हम 1 की बजाय क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, क्योंकि हम सिलेंडर 2 की बात कर रहे हैं. सो इट इज अ बी सिलेंडर. अब अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, दिस फैक्टर इज सेम, सो दिस फैक्टर इज बीइंग कंपेयर्ड. सो 1/3 एम वन एन वन सी वन स्क्वेयर्ड इज इक्वल्स टू 1/3 एम टू एन टू एंड रूट मीन स्क्वेयर फॉर 2. अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई है. अगर हम दोनों सिलेंडर्स यानी ए और बी को कंपेयर करें, पीवी जो है वो एक सेम फैक्टर है, सो उसको आप नहीं लिख सकेंगे. जो फैक्टर सेम नहीं है वो आपने यहाँ पर लिख दिए हैं. अब इसमें स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो ये वाला फैक्टर है ये सेम है. सो यू नो दैट कि दीज टू फैक्टर्स इफ़ दे आर सेम दे विल बी कटेड. और हमारे पास अब एक नई इक्वेशन बन जाएगी, एम वन एन वन सी वन स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एम टू एन टू एंड सी बार स्क्वेयर्ड. अब इसमें वी नो दैट देर इज समथिंग लाइक काइनेटिक एनर्जी इंटरप्रिटेशन. अगर हम इसको यू नो हाफ से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड्स को, तो द बोथ काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग देयर. सो दोनों को अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो 1/2 एम वन एन वन सी वन स्क्वेयर्ड और एम टू एन टू सी बार स्क्वेयर्ड और इधर भी हाफ हम लिख देंगे. अब देखें, अब इनको हमने इस इक्वेशन को हमने काइनेटिक एनर्जी की शक्ल दे दी है. अब मैं आपको इसमें एक और बात कर देता हूँ कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी है, अगर टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी दोनों सिलेंडर्स की सेम होगी. यानी यहाँ पर भी 25 डिग्री पे आप इसको हीट अप कर रहे हैं, इसको भी 25 डिग्री पर आपने रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है तो अब क्या होगा कि यहाँ पर जो है जो काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स की और यहाँ पर जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो होगी मॉलिक्यूल्स की वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी. सो इस बेस के ऊपर आप क्या करेंगे कि यू गोना डू इट लाइक दिस दैट आप काइनेटिक एनर्जी को सेम ले लेंगे. तो यू कैन से दैट अगर काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाएंगी तो ये वाले फैक्टर्स जो हैं दे विल बी कटेड. ये वाले फैक्टर्स अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है, ठीक है, ये वाले फैक्टर्स जो हैं ये कट हो जाएंगे. पीछे क्या रह जाएगा, एन वन इज इक्वल टू एन टू, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सिलेंडर नंबर 1 आर इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सिलेंडर नंबर 2. सो दैट इज नोन एज एवोगैड्रोस लॉ, राइट. तो आई रियली विश आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे हमने एवोगैड्रोस लॉ को प्रूव कर दिया, यानी एन वन इज इक्वल टू एन टू कर दिया है. सो हेंस इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज नोन एज एवोगैड्रोस लॉ. सो थैंक यू सो मच दिस टाइम. आई एम गोना लेट यू नो अबाउट ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच. ओके स्टूडेंट्स, सो वी आर टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 3 गैसेज. लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एवोगैड्रोस लॉ की, और आज के लेक्चर में हम ग्राहम्स लॉ की बात करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ गैस लॉज विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक इक्वेशंस, राइट. सो काइनेटिक इक्वेशन इज देयर, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस इज देयर. अगर आप फॉर एग्जांपल इसमें अगर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको अगर आप 1 मोल काउंट कर रहे हैं तो 1 मोल के लिए क्या होगा कि यू गोना जस्ट प्लेस एवोगैड्रो ए, यानी इधर ए प्लेस कर देंगे, व्हिच मींस एवोगैड्रो नंबर है. अब इफ दिस इक्वेशन इज बीइंग देयर, इस इक्वेशन को जो है आप क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास फैक्टर है ये वाला, ये मॉलिक्यूलर मास के इक्वल हो सकता है,
ठीक है, यानी द मास, एंड अगर वो एवोगैड्रो नंबर हो तो गोना से एज अ मॉलिक्यूलर मास. अब उस फैक्टर को आपने क्या लिख दिया, m लिख दिया. सो p v इज इक्वल टू हाफ 1 ओवर 3 m c स्क्वायर, यानी रूट मीन स्क्वायर को लोगे. अब यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर दोनों इतराफ में आपने जो है वो स्क्वायर रूट ले लेना है. स्क्वायर रूट क्यों लेना है मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं. सो यू गोना स्क्वेयरिंग, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. तो आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया आपने, और अब आपके पास ये सिचुएशन आ गई है. और नाउ व्हाट दैट इफ यू हैव टेकन द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यू कैन डू नेक्स्ट इज दैट यू कैन जस्ट से दैट के यू कैन जस्ट प्लेस दिस थिंग न्यूमिरेटर में लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा 3p m over v, राइट. ये फैक्टर जो यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा था उसको आप, अब ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमें पता है जो डेंसिटी होती है वो मास ओवर वॉल्यूम के बराबर होती है. सो इसकी जगह हम डेंसिटी लिख सकते हैं. सो c स्क्वायर्ड यानी रूट में वेलोसिटी का स्क्वायर्ड 3p ओवर d लिख लिया आपने. अब मैं आपको ये भी बताना चलूं कि ये जो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ये जो है रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी रेट के जो है ये बराबर होता है. सो यू कैन राइट द r यानी रेट ओवर हेयर एंड 3p ओवर d लिख लेंगे आप. स्टूडेंट्स ये जो 3p का फैक्टर है, अगर आपने प्रेशर कॉन्स्टेंट रखना है, ठीक है, तो ये 3p का फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा. और कॉन्स्टेंट को आप 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो यू कैन जस्ट यूज द टर्म हेयर 1 ओवर d. तो दैट बिकम्स द ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. तो आई थिंक ये जो है हमने ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है ये प्रूव कर दी है. तो इन माय लास्ट लेक्चर आई एम गोना लेट यू नो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, यानी काइनेटिक इक्वेशन में अगर हम टेम्परेचर को इंटरप्रेट करें तो क्या होगा. ये मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसमें आई एम गोना टॉक यू अबाउट दैट कैसे टेम्परेचर जो है वो काइनेटिक इक्वेशन को वेरी कर सकता है. एंड रियली विश ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है काइनेटिक इक्वेशन के साथ हमने इसको वंस अगेन प्रूव कर दिया है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स. और दीज लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राहम्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ विद रिस्पेक्ट ऑफ काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस. तो आपने इसको मेमोराइज करना है बिकॉज दीज आर गोइंग टू बी द शॉर्ट क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जाम, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये शॉर्ट ही आते हैं, तो इनको शॉर्ट के लिए आप तैयार करें. थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम.